भी अल्लाह की राह में काम करना शुरू किया और लोगों ने जिस तरह से मुझे दुआएं और सपोर्ट करी हैं, तो मुझे शायद उन्हीं में से किसी एक की दुआ लग गई है, क्योंकि आते जाते हर कोई बहुत दुआएं देता है। तो ये मेरे ख्याल से अल्लाह का खास करम है मेरे ऊपर कि मैं क्रिकेट में जो वापस आया, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा ये फुटबॉल वर्ग है। रमज़ानुल मुबारक में शहर कायद में सड़कों और शाहराहों पर आवाम को मुखय्यर हज़रात की जानिब से अफ्तार करवाने की रिवायत बहुत पुरानी है। मैं हूं दानियाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। इस वक्त मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर जौहर मोड़ के मकाम पर, कि जहां पे कौमी क्रिकेटर रोमान रईस खान फाउंडेशन की जानिब से आवाम को अफ्तार करवाई जा रही है। एक बड़ी अफ्तार है कि जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग इस अफ्तार से मुस्तफ़ीद होते हैं। इस बार इस अफ्तार में क्या ख़ास बात है और इंतजाम किस हवाले से तरतीब दिए जा रहे हैं, कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस अफ्तार का हिस्सा बनते हैं, आइए तफसील से जानते हैं। रोमान रईस फाउंडेशन की जानिब से इस वक्त अफ्तार का अहतमाम यहाँ पर कर दिए गए, दस्तखत हो गए और अफ्तार यहाँ पर तकसीम की जा रही है। और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ रूहे रवा इस फाउंडेशन के रोमान रईस साहब मौजूद हैं। रोमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रोमान भाई, बताइएगा आज क्या इंतजाम हैं अफ्तारी के लिए और रोज़ाना कितने लोग हैं इस अफ्तारी से मुस्तफ़ीद होते हैं? हाँ जी, पहले तो मैं आपको बता चलूँ माशाल्लाह कि अल्लाह के करम फजल से और अल्लाह पाक ने दस्तखान में बरकत इतनी डाल दी है कि हमने तो सिर्फ कोशिश की थी कि 250 से 300 लोगों की अफ्तारी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले दिन के बाद ही मैंने आइडिया लगाया कि नहीं यार, ये तो माशाल्लाह 400-500 लोगों की कहानी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे लोगों की तादाद होती जाती है। कल लास्ट हमारा ये जो एक दफ़ा में जो टाइम में दस्तखान लगता है उसमें 350-400 लोग बैठते हो, कल 3 दस्तखान लगे इट्स मीन के वो तकरीबन 900,000 लोगों की कहानी रोज़ाना की हो रही है। और आज हमने थोड़ा सा खाने में चेंज रखा है, आज हमने पुलाव रखा है चिकन का और रोज़ाना बिरयानी चल रही थी। और आगे भी इंशाल्लाह फर्दर हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं वो हमारे साथ भरपूर ताबुन कर रहे हैं, कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई यूके से कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो मेन स्पॉन्सर्स हैं हमारे, जिसमें हमारा ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज, GFS बिल्डर, रियल एस्टेट मार्केटिंग और इनवरेक्स, ये सारे मिलकर हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमारे यहाँ तादाद में खाना खा रहे हैं और बगैर किसी मुश्किल के अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। रोमान भाई, क्रिकेट आपका प्रोफेशन भी है, तो किस तरह फलाई सरगर्मियों को हल्के खुदा की जो आप खिदमत कर रहे हैं उस काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्रिकेटर होने का मकसद कतई ये नहीं है कि आप कोई फलाई काम में काम नहीं कर सकते या किसी की खिदमत नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा मैनेज करना आसान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो काम है इसमें आपको प्रॉपर 4 से 5 घंटे आपको देने, फिर जो आप क्रिकेट है उसमें भी आपको 5 से 4 घंटे देने, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं उस चीज़ को कैसे मैनेज करके चलता हूँ। तो मैं सुबह अपनी ट्रेनिंग वगैरह सब कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद शाम का जो टाइम होता है और शहरी का टाइम होता है वो मैं इसमें लगाता हूँ। अच्छा रोमान भाई, अफ्तारी तो आप करवा रहे हैं, शहरी के हवाले से क्या इंतजाम होते हैं? हाँ, शहरी का असल में कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा ये है कि शहरी हमारी डोर टू डोर जाती है, यानी हम कच्ची आबादियों में जाते हैं, वहाँ कच्ची आबादियों में जो गरीब घराने हैं, जो किराए पे लोग रहते हैं, उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है महंगाई के दौर में, तो हम वहाँ शहरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऐसे लोग जो जिना सिविल के बाहर बैठे हुए अपने अटेंडेंट की वजह से बैठे होते हैं, तो उनको ज़रा ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हमने हफ्ते में 3 से 4 दिन वहाँ बांधे हुए कि हम वहाँ पर जाकर खाना प्रोवाइड करते हैं, तो तकरीबन 200 लोगों का खाना, 250 लोगों का खाना रात को बैठता है। सलमान भाई, लोगों से दुआएं जब मिलती होंगी, इदारे एक नेक अमल कर रहे हैं और आपकी एक इंजरी का भी अब गुज़र साल वाक़ पिछाया, तो किस तरह का फीडबैक लोगों की जानिब से मौसूल होता है आपको? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उस बात पे कि मैं क्रिकेट में वापस आया, और मे भी मुझे ऐसा फील होता है कि जो मैंने ये अल्लाह की राह में काम करना शुरू किया और लोगों ने जिस तरह से मुझे दुआएँ और सपोर्ट करी हैं, तो मुझे शायद उन्हीं में से किसी एक की दुआ लग गई है, क्योंकि आते जाते हर कोई बहुत दुआएँ देता है। तो ये मेरे ख्याल से अल्लाह का खास करम है मेरे ऊपर कि मैं क्रिकेट में जो वापस आया, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा ये फुटबॉल वर्ग है, जिसकी वजह से अल्लाह की काफ़ी मुझे सपोर्ट दिए। और साथ साथ देखें, हमारी अपनी विल पावर भी है कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो। तो मैं जो क्रिकेट में था, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था कि आप नहीं खेल सकते, लेकिन मैंने थोड़ी विल शो करी, अपनी फिटनेस पर काम किया, वेट लूज़ किया, फैट लेवल यूज़ कम किया, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है उसकी वजह से क्रिकेट में। भगवान भाई, ये तो एक काम है कि आप खाना खिला रहे हैं लोगों को, इसके अलावा फाउंडेशन मजीद और क्या काम करना चाहती है मुस्तकबिल में? देखिए, ये रमज़ान का जो एक स्पेसिफिक महीना है, इसमें तो हम ज़ाहिर अफ्तारी और शहरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं राशन पे, लेकिन ओवरऑल पूरे साल जो हमारी फाउंडेशन काम करती है उसमें हमारे ऐसे मामला है कि अगर कोई शख्स बीमार है, उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि उसका इलाज करा दिया जाए। तो ये बेचारा अगर इलाज करवा सकता है, उसकी मेडिसिन नहीं खरीद सकता, तो उसके मामला हैं। फिर किसी की शादी है, कहीं खाना नहीं है, कहीं जहेज का सामान नहीं है, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। कोई बेचारा घर है लेकिन रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, तो जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स भी हम ढूंढ के देते हैं लोगों को।
हमें अगर किसी का कारोबार कराना है तो हम कारोबार भी करा के, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो बाइकिया हो, चाहे वो किसी बर्तन का ठेला लगाना हो, तो जितना हम कोशिश कर सकते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने की वो हम कोशिश करते हैं। उसमें हमारा बहुत मेन किरदार है हमारे डोनर्स का, जब हम उससे शेयर करते हैं कोई भी रिक्वेस्ट तो फौरन वो हमारे साथ जुड़े जाते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नौमान भाई, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, 3 सालों की निस्बत आप क्या देखते हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है, लोगों ने ज्यादा? डेफिनेटली महंगाई ज्यादा हुई है, क्योंकि देखिए अब मैं जो देख रहा हूँ उस वक्त, कि पहले तो ये होता था कि जो गरीब था बेचारा वो गरीबी के साथ जा रहा था, लेकिन अब मिडिल क्लास वाला भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही है, बिलो मिडिल क्लास ही कहलाएगा। और अब तो मैं कहता हूँ कि हम जैसे लोगों का भी हाल बुरा है यार, हर चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचनी पड़ रही है, लेकिन हमने इस चीज़ पर रहना है, जीना है, सेटल होना है, क्योंकि आप दुनिया में वर्ल्ड वाइड महंगाई हुई है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में महंगाई हुई है, क्योंकि मैं अभी बाहर से भी हो रहा हूँ, तो सब जगह कुछ ना कुछ पैसों में फ़र्क आया है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो रुझान है लोगों का वो थोड़ा वैसे ही लो तबके से, तो इस वजह से हम लोगों को परेशानियाँ ज़्यादा हैं। तो उस पर हम जितने मुखैर हजरात मिलजुल कर, हमारा इस्लाम भी कहता है कि मैं अगर तुम्हें अल्लाह पाक तुम्हें दे रहे हैं तो उसमें से अपने भाइयों का ख्याल रखो, अपनी बहनों का ख्याल रखो, तो अगर ये हम करेंगे तो शायद इंशाल्लाह ताला। हमें आखिरी सवाल के मुस्तकबिल में फाउंडेशन के जरिए से कौन से ऐसे इकदाम है जो आप करना चाहते हैं कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए करें? जी, मैं सबसे पहले तो एक अभी इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले हैं होटल जोन का, हम वो इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक फ्यूचर एसेट जो होता है ना मुल्क का, वो होती है आपकी यूथ जनरेशन, जो आपका एक बच्चा होता है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी ज़मीन मिल जाए कि जहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार कर सकें जहाँ पढ़ाई बच्चे भी पढ़ें और स्पोर्ट्स हब तैयार हो, जहाँ अपना बच्चा खेल के भी अपना टैलेंट अपना सामने ला सके, क्योंकि आजकल का बच्चा सिर्फ मोबाइल और दूसरे चीज़ों में लग गया, एक्टिविटी फिजिकल उसके पास है नहीं, तो इसलिए ये अगर आपने अपने पाकिस्तान के मुल्क के साथी को बचाना तो आपने इस तरह की फैसिलिटी उनको देनी पड़ेगी, ताकि वो अपना खेले भी पढ़े भी, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये कि जब बच्चे के घर में वसाइल नहीं होते ना तो वो पढ़ भी नहीं पाता, वो खेल भी नहीं पाता, कहीं ना कहीं बेचारा गया तो किसी पंचर की दुकान पर बैठेगा या किसी सब्जी के ठेले पर बैठेगा या किसी फल के ठेले पर बैठेगा। तो हमने अपने मुल्क के असासों को बचाना है और इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि ऐसा उनको माहौल दें, ऐसी उनकी ग्रूमिंग करें कि वो इस खानदान को अपने पूरे लेके चले। थैंक यू वेरी मच। रुमान रईस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उनका जहाँ पर वो एक तरफ हल्के खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर अफ्तार करवा रहे हैं, शहरी के इंतजाम करवा रहे हैं, लोगों को कारोबार के नए मौके पेश कर रहे हैं, वहीं उनका ये कहना है कि वो जो बेसिकली उनका प्रोफेशन है क्रिकेट, उसके फ़रोग के लिए भी आइंदा मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं कि वो इस काम को करें, कोई क्रिकेट अकेडमी तश्कील दें, कुछ किस्म के काम करें, जिससे जो सेहतमंदाना सरगर्मी है खेल वो इस मुल्क के अंदर फ़रोग पा सके। तो रुमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अपने मेज़बान दानिया सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।